दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चार T20 सीरीज में एक सेकेंड T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान टीम को मिला एक साथ तीन बड़ा खुशखबरी। इस तीन खुशखबरी से पाकिस्तान टीम जीत पाएगा, इस सीरीज में कब्जा जमा पाएगा। तो क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे डिटेल्स के माध्यम से इसी वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी है पाकिस्तान टीम का एक जबरा फैन तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चार T20 सीरीज, पहला T20 सीरीज यहाँ पर शुक्रवार को खेला गया था, लेकिन बारिश के वजह से इस मुकाबला को रद्द कर दिया गया था। अब इस सेकेंड T20 सीरीज यानी कि शनिवार के दिन यहाँ पर खेला जाएगा और इस मुकाबला का 10:30 भारतीय समय अनुसार रात का 10:30 बजे टॉच होते नजर आएगा और इस सीरीज का पहली गेंद 11 बजे को फेंका जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, सेकेंड T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही एक साथ तीन बड़ा खुशखबरी मिला है। दोस्तों सबसे पहले जो खुशखबरी आ रहा है वो है बाबर आजम को लेके। दोस्तों बाबर आजम अभी बहुत ही अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है। बाबर आजम नेट प्रैक्टिस में अपना शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, चौका छक्का का कर रहा है बारिश, जिस वजह से यहाँ पर सेकेंड T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही बाबर आजम फॉर्म में देखने को मिला है। और अभी जो सेकेंड खुशखबरी मिला है वो है बारिश को लेके है। दोस्तों जैसा पहला T20 सीरीज में सभी फैंस का मजा किरकिरा किया था बारिश, लेकिन सेकेंड T20 सीरीज में ऐसा नहीं होते हुए नजर आएगा। सेकेंड T20 सीरीज में पूरा आसमान पूरा तरीके से अच्छा रहेगा और बारिश का कोई भी पूर्वाभास नहीं है। अभी थर्ड यहाँ पर जो खुशखबरी निकल के आ रहा है वो मोहम्मद आमिर को लेके है। दोस्तों मोहम्मद आमिर कुछ दिनों से फॉर्म में नहीं गुजर रहा था, लेकिन आज नेट प्रैक्टिस में यहाँ पर दोबारा गेंदबाजी करते नजर आ रहा है। एक ओवर में 4 विकेट लेके पूरा तरीके से बेहतरीन फॉर्म में गुजर रहा है मोहम्मद आमिर। इससे लगता है मोहम्मद आमिर अभी फॉर्म में है, जो टीम पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो दोस्तों आप बांधोगे क्या रही है इस तीन खुशखबरी से, क्या पाकिस्तान टीम इंग्लैंड टीम को या पर इंग्लैंड की सरजमी पर हरा पाएगा? अपनी राय जरूर बताएं कमेंट पर। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी वो मोल समय देने के लिए।